अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सारा, बहुत सारा। तो जी, अब आज मैं मौजूद हूँ एक बहुत ख़ास जगह पे, जो कि मुझे खींच के लाई है सिर्फ और सिर्फ साइम की फरमाइश। साइम को बहुत टाइम से बहुत अच्छी मंदी खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा कि चलते हैं। तो फिर रेदान से अच्छी मंदी आपको कहाँ मिलेगी? तो इस वक्त हम मौजूद हैं रेदान में, और रेदान पे आकर हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करवाना है। पहले ये है कि नीचे जाते हैं, थोड़ा एटमॉस्फेयर देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, आपको ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर नज़र आएगा, क्योंकि मैंने इनके एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत, उनके सिटिंग्स अरेंजमेंट के बारे में बहुत सुना है कि बहुत इनकी न्यू रेनोवेशन हुई है, तो उस हिसाब से उनकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो आइए मेरे साथ, दिखाते हैं आप लोगों को और रिव्यू भी करते हैं, आ जाइए जी। तो लोकेशन की बात करें तो ये मेन खालिद बिन वलीद रोड पे मौजूद है रेदान। ये है फिले कैफ़े के बिल्कुल साथ। आइए चलते हैं अंदर पे रेदान में, आइए मेरे साथ जी। तो आइए देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, देखते जाइए आप लोग, दिखाइए भाई, दिखाइए, ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। और इनकी इंटीरियर देखें, इनकी रेनोवेशन देखें, क्या ज़बरदस्त इन लोगों ने रेनोवेशन की है। सिटिंग अरेंजमेंट चेक करें यहाँ पर आके, इनके पास सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ऑन टेबल ऑन चेयर भी है, और इनका सिटिंग अरेंजमेंट नीचे का बैठक भी है। तो ये देखें, हम लोगों ने तो बैठक सेलेक्ट की है। थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली मंदी के लिए, कि आप थोड़ा अरेबिक स्टाइल में खाएं। तो इस वजह से हमने सेलेक्ट की है बैठक, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चा पार्टी ऑलरेडी मौजूद है हमारी बैठक पे, तो आइए जी, आइए, आ जाइए। और हम आ चुके हैं अपनी बैठक पे, और अब हम यहाँ पे बैठ के करेंगे ऑर्डर, और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया। सब मौजूद है रेदान का मेन्यू मेरे हाथ में, और हम आपको दिखाते हैं इस अट्रैक्टिव से मेन्यू में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जी। तो स्टार्टर की वैरायटी यहाँ है मौजूद, इसके अलावा चिकन में, चिकन मंदी, चिकन की सारी जो वैरायटी है वो यहाँ मौजूद है। शेफ्स स्पेशल में यहाँ पे सामान मौजूद है, जो कि इनके आइटम्स हैं। इसके अलावा मटन में भी आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा भाई, फुल मटन पीस भी मिलेगा आपको। सी फूड में भी वैरायटी है, और इवनिंग स्पेशल में है शवरमा प्लेटर। इसके अलावा सैलड है, डेजर्ट है, बेवरेजेस हैं, स्मूदीज हैं, शेक्स हैं, बूस्टर्स हैं, और जिसके अलावा क्या है, इसके अलावा है ग्लेशियर्स, और एक्स्ट्रा में भी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा जी, एक चीज़ मज़े की मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो इनके पास संडे ब्रेकफास्ट भी मौजूद है, ठीक है जी, जो कि है ओनली एट KBW ब्रांच पे, ठीक है जी। KBW ब्रांच मतलब खालिद बिन वलीद रोड ब्रांच पे मौजूद है ये। और ये देखिए, इनके पास है 3-2% की एक इनके पास डील है, और एक है इनके पास 3-4% की। तो ट्राई करते हैं इनकी मंदी और बताते हैं आप लोगों को रिव्यू जी। तो ये हमारा मज़ेदार सा ये मंदी आ गई है, और ये आ गया है मकबूत। तो मकबूत में और मंदी में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो राइस है मकबूत के, वो होते हैं स्पाइसी, और चिकन होता है इसका नॉर्मल, जैसे कि मंदी में होता है, ठीक है जी। और जो मंदी है स्पेशल, जो मंदी होती है उसमें राइस जो है वो नॉन स्पाइसी सॉल्टी होते हैं, और जो मंदी की जो चिकन होती है वो भी नॉर्मल ही होती है। तो हमने दो वैरायटी इनकी मंगवाई थी ताकि फ्लेवर कर सकें। साथ में आई है मज़ेदार सी रायता और चटनी। साहब को कर रहे हैं इंतज़ार मंदी पे अटैक करने का, और साइम की हो रही तबीयत ख़राब, बट साइम की वजह से हम मंदी खाना है। साइम अब तो खुश हो जाओ चलो अटैक करो मंदी पे।
जी तो भाई मैंने इधर ले ली है मंदी, साइड में मैंने डाल ली है मजबूता। ठीक है भाई, हाँ यूनुस रायता है जी। तो यहाँ पे मैंने दोनों किस्म की ले ली हैं, ये मैंने मंदी ले ली है, मैंने मकबूत ले ली है। अब हम ट्राई करते हैं इनकी स्पेशल चटनी है और रायते के साथ। पहले मैं राइस ट्राई करूँगी। तब चिकन भी ट्राई करा जाए, विद चिकन। तब मकबूत भी ट्राई करते हैं, रिव्यू करते हैं आपकी मकबूत की चिकन है। और ये है मकबूत के राइस, स्पाइसी राइसेस के साथ। नाइस, पर्सनली मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ज़्यादा ये मंदी, मंदी जो ओरिजिनल जो मंदी है ना, वो ज़्यादा मज़े की है। सीरियस बोलूँ तो इसके राइस ना मुझे आलू की तहारी जैसा लगा। और मैंने बनाया एक नया कॉम्बिनेशन, मैंने दोनों को किया है मिक्स और अब मैं ये भी ट्राई करने वाला हूँ, दोनों मिक्स करके। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना खान। आप यहाँ पे जॉब करती हैं? जी आर ओ, गेस्ट रिलेशनशिप ऑफिस। ठीक है ठीक है जी, आर ओ है। तो मुझे बताएं कि आपके ये कब से है रिदान यहाँ पे? तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मंदी के अलावा, मंदी के लिए तो ये फेमस है, उसके अलावा और क्या? मंदी के अलावा हमारे पास और भी फ्लेवर्स हैं, मदबी है, मदबूत है, मदफून है, और हमारा शॉर्मा प्लेटर्स भी है, हमारे पास हांडी भी है, वो भी हमने मतलब और वैरायटी भी। मैंने नाश्ते के बारे में भी आपके साथ, नाश्ता प्लेटर भी कोई चल रहा है आप लोगों का, नाश्ता से इंट्रोड्यूस हुआ है तकरीबन 5 महीने 6 महीने हो चुके हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो उसमें वैरायटी है या जस्ट? नहीं, काफ़ी वैरायटी है, अलग अलग किस्म से आप काफ़ी कस्टमाइज करा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप आके एक वैसे प्लेटर भी है, और अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, अलग से कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद अभी कोई इसके अंदर आप लोग वेरियंट एड ऑन करेंगे, कोई और आप लोग का इरादा है? इंशाल्लाह जल्द हमारा अच्छी भी वैराइटीज़ भी आएगी और न्यू चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये अभी न्यू, मुझे बहुत अच्छी लगी इधर। न्यू हमने रेनोवेट करवाया है, काफ़ी हिस्सा प्रॉपर हमारा रेनोवेट हो चुका है। रेनोवेशन जो अभी आप लोगों ने, जैसे कि आपने बताया, भी चल रही है मजीद? जी जी, काफ़ी चल हो चुकी है और काफ़ी चल रही है, फ्रंट की हमारी रेनोवेशन चल रही है। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने किया है, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे यही सब कुछ पूछना था कि रिस्पॉन्स कैसा आता है लोगों का और सब कुछ, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमने रिदान में जो हमने मंदी मंगाई थी ब्रेड, वो हमने फिनिश कर ली है, और रिव्यू के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ठीक थी, बैलेंस थी, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं थी, बट नॉर्मल थी, मज़े की थी, ठीक थी, एवरेज अगर कहेंगे इसको तो एवरेज थी। तो इसी के साथ खाना तो हम खा चुके हैं और अब बहुत थकन हो चुके हैं, हम जाएंगे घर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, दुआ में करिएगा याद, और चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन से जाकर चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, बगैर वहाँ से हिलना नहीं है, और वीडियो को कर दें शेयर और लाइक। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।